देखा कि बड़ा नूर ही नूर नजर आ रहा है। जिब्राइल से कहा, जिब्राइल ये मुझे नूर नजर आ रहा है जिसे आप कहते हैं बकाए नूर। कहा जरा और आगे बढ़िए रसूलुल्लाह। जब आगे बढ़े तो देखा एक नूर का मेंबर रखा है और उस नूर के मेंबर पर कोई नूरानी शक्ल सूरत बैठी हुई है। और आगे बढ़े तो देखा कि उस मेंबर के इर्द गिर्द नूरानी फरिश्ते हैं जो तवाफ कर रहे हैं। पैगंबर इस्लाम जरा और आगे बढ़े और कहा जिब्राइल ये बताओ कि मुझसे पहले कोई यहां आ गया है जो नूर के मिंबर पर बैठा है, मुजस्समा नूर है जिसका तवाफ ये नूर के बने हुए मलाइका कर रहे हैं। तो एक बार जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह के रसूल कोई और नहीं है ये। कहा फिर कौन है? कहा ये आपके भाई अली हैं। अली उससे पहले आ गए? कहा आपसे पहले नहीं आ गए, मलाइका ने अल्लाह की बारगाह में यह ख्वाहिश जाहिर की कि परवरदिगार आलम हम ये चाहते हैं कि हर वक्त अली के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करते रहे। तो अल्लाह ने एक नूर का मेंबर बनवाया और उस नूर के मेंबर पर अली की नूरानी शक्ल को बिठाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि ये अली है, इनका तलाश करते रहो। कि जिनकी ज़ियारत के लिए इनका तवाफ करते रहो। क्या फजाइल है मेरे मौला के, हम कहां पड़े हैं, कहां खींच के लेके चले आते हैं। जो अर्श की बुलंदियों पर, ये तो उसका करम था कि उसने जमीन पर भेज दिया इनको। आप ही गेम जानिए, ये जमीन पर उसने भेज दिया, ये तो मखलूक ही कहीं और की थी। वाह, ये तो हम चाहने वालों का कर्म किया है उसने। अल्लाह गवाह है कि उसने उन्हें यहां भेज दिया। और जब भेज दिया मेरे अजीजों तो फिर उन्हें भेजा है। अल्लाह गवाह। देखिए मैं जुमला कह के आगे बढ़ना चाहता हूं कि ये बड़ा सही वक्त हमें मिला है कि जब हम दुनिया को शर्त यह कि थोड़ी बहुत मार्फत होनी चाहिए। और मैं कभी कभी कहता हूं कि थोड़ा वक्त अगर उन उलूम की तरफ सर्फ किया जाए जिन्हें मौला ने आश्कारा किया है, दुनिया के सामने फैलाया, तो आप यकीन जानिए मैं जुमला दोहरा रहा हूं कि दुनिया सिमट के इस मरकज पे आ जाएगी। आज कायनात की खिलकत एक मसला बना हुआ है। कितनी थ्योरी से मैंने आपके सामने थोड़ा सा जिक्र किया था, बिग बैंग दिस एंड दैट। आप मौला का खुतबा बयान पढ़ लीजिए बस। वाह, अगर ना मिले तो मौला के नहजुल बलागा में जो पहला खुतबा है खिलकते कायनात पर, जरा इसको गौर से आप पढ़ लीजिए। जिस तरह से मौला ने इस खिलकते कायनात का जिक्र किया है, आप यकीन जानिए कोई उस वक्त तक कर ही नहीं सकता है जब तक उसकी निगाहों के सामने खिलकत हो ना रही हो। मैं कुछ कह रहा हूं आपसे, इतना वक्त नहीं है कि उसका कोई बहुत बहस की जाए। मैं तो सिर्फ दावत फिक्र दे रहा हूं आपको कि कभी मौका मिले तो थोड़ी बहुत स्टडी नजुल बलागा की कीजिए आप। ठीक है, मार्फत का मसला, मार्फत इलाही का मसला, तौहीद का मसला हमारी समझ में ना आ सके,
لیکن خلقت کائنات کا جو ذکر میرے مولا نے کیا ہے اللہ گواہ ہے کہ کس طرح سے یہ زمین کا فرش بچھا، کس طرح سے ہواؤں کو خلق کیا، ہواؤں کے ذریعے سے کس طرح سمندر کے پانی پر پریشر ڈالا تاکہ اس سے موجیں پیدا ہوں، ان موجوں سے کس طرح افخرات پیدا ہوں کہ تاکہ وہ بادل بنے اور بادل بن کے پھر اس کی بارش ہو، ایک ایک چیز کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اس وقت تک یہ بیان ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک نگاہوں کے سامنے اس کی خلقت نہ کی جا رہی ہو۔ پڑھیے تھوڑا اور سے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا، پڑھیے نہجل بلاغہ کو، پڑھیے اور دیکھیے، خود بات پہنچ جائیے، کلمات احزاب کو پڑھیے، یہ چیز تو پڑھیے، آپ کو آپ یہ دیکھیے نا کہ کس طرح سے ذکر کیا ہے خلقت کا، کہ کیسے اللہ نے اس یونیورس کو، اس کائنات کو خلق کیا، کس طرح سورج کی خلقت ہوئی، کس طرح سے چاند ستاروں کی خلقت ہوئی ہے، کیا نظام ہے، یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے کہ یا تو وہ خود خلق کر رہا ہو یا اس کی نگاہوں کے سامنے خلق کیا جا رہا ہے۔ ہمارا المیہ، آپ دو جملے سنیے میرے عزیزوں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس بات کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہم مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، اس بات ہم علم سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دو جملے سن لیجیے، ہم علم سے بہت، نالج سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ گھسی پٹی لائن، چند لیسنز کا بائی ہارٹ کر لینا، رٹ لینا، چند فارمولوں پر پرابلمز کو سالو کر لینا، یہ علم نہیں ہے، یہ اندھی تقلید ہے، کوئی کر کے چلا گیا ہے، ہم اسی لائن پر چل رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ ہمارا تو کانٹریبیوشن نہیں ہے، ہمارا کیا کانٹریبیوشن ہے؟ علم اس گھسی پٹی لکیروں پر چلنے اور تقلید کرنے کا نام نہیں ہے۔ علم اسے کہتے ہیں کہ جب تک دل پر انکشاف الہی نہ ہو جائے، یاد رکھیے، اس لیے کہ علم ایک پاک و پاکیزہ چیز ہے، یہ اس وقت تک حاصل ہی نہیں ہوتا ہے جب تک قلبی طہارت نہ مل جائے، ہے یہ نہیں؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں علم کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اب تو دنیا کی زبانوں میں ہر چیز آ گئی ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے عزیزوں۔ میں تلاش کرتا رہا اتنے بڑے امریکہ میں، کسی بھی یونیورسٹی میں میرا جانا ہوا، یونیورسٹیز میں میرے لیکچرز ہوئے ہیں، اسلامک اسٹڈیز کی کلاسز میں، میں نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے یہاں کوئی نہج البلاغہ سیٹ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو ترقی دے، آپ کے کاروبار میں ترقی دے، آپ کے وسائل میں ترقی دے، آپ کی دولت میں ترقی دے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اتنے بڑے امریکہ میں، واشنگٹن یونیورسٹی میں نے دیکھی، انڈیانا یونیورسٹی میں نے دیکھی، کینٹکی، لوئیل کینٹکی یونیورسٹی میں نے دیکھی، ایل اے میں گیا یونیورسٹی میں، کولمبیا یونیورسٹی میں گیا، نیو یارک والی، اور کتنی ہیں میں کہاں تک آپ کو گناؤں، میں نے ہر یونیورسٹی میں یہ پتہ لگانا چاہا، اس لیے کہ کسی نہ کسی کی سیٹ ہے ریسرچ کے لیے۔ میں نے پوچھا کہ کوئی چیئر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے نام کی ہے؟ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ آخری تقریر ہے، میں درد دل ہے جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوب پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میں نے پوچھا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سے، بتائیے، اور اسلامک اسٹڈیز کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ زیادہ تر مسلمان ہیں، یاد رکھیے۔
मैंने कहा आप क्या कोई सीट कोई चेयर अली इब्न अबी तालिब के नाम की है, कोई चेयर नहजुल बलागा के नाम की है, अबू हनीफा के नाम की चेयर मिल गई लेकिन जाफर सादिक के नाम की कोई चेयर नहीं मिली मुझे। जो खजाने इल्म है जिनके दर से दुनिया ने इल्म हासिल किया, वो दर का गुलाम जो कहता है कि अगर दो साल जिंदगी के इमाम जाफर सादिक के न मिले होते मुझे तो नौमान हलाक हो जाता। अबू हनीफा अपने लिए कहते हैं नौमान इब्ने साबित हलाक हो जाता। गुदाम के नाम की तो चेयर हो जाए और जिस दर से उसने इल्म हासिल किया है। है फिक्र की बात या नहीं? कैसे पहचाने जाएंगे बताइए हम भाई, इन मजलिसों के जरिए से अपने ही तो पहचानेंगे और क्या अपनों को क्या पहचान माना है। हमारा भी अलमिया ये है खतीबों का जाकिरीन का कि वो अपने ही तो फजाइल सुनाते हैं। क्या करें, फजाइल सुनाते हैं फजाइल, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप सोचिएगा कि क्या हमें इस तरफ मुतवज्जे नहीं होना चाहिए। एक चेयर का कायम करना कौन सी मुश्किल बात है आप बता रहे। माशाल्लाह इस अमेरिका में मिलियंस डॉलर हमारी कौम खर्च करती करती है, नहीं करती है। अगर उसी में एक हदफ बना लिया जाए कि हम मौला के नाम की एक चेयर रखेंगे, तो जिस यूनिवर्सिटी में ये चेयर रखी जाएगी रिसर्च की, तो कम से कम वहां इल्मी हलके में ये गुफ्तगू तो होगी कि भाई अली कौन थे जिनके नाम की ये चेयर कायम की गई है। कोई जरूरी थोड़ी है कि सब अली को जानते हो, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं इंडियाना यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज का क्लास ले रहा था, यूं ही इनवाइट किया था, 150 से ज्यादा बच्चे बैठे थे, 150 बच्चों में कितने होंगे जो अली इब्न अबी तालिब को जानते होंगे, और 70% बच्चे जो थे वो अमेरिकन थे, नॉन मुस्लिम थे। अगर एक चेयर वहां कायम कर दी जाए तो जितने आएंगे क्लास में, जब वो लाइब्रेरी में जाएंगे और कोई गोशा देखेंगे और उन्हें बताया जाएगा कि ये गोशा मुताल्लिक है अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब से और ये चेयर उनसे मुताल्लिक और मंसूब है, तो वो पूछेंगे ये कौन था, तो पता चलेगा कि ये वो था कि जिससे बड़ा कोई कायनात में आदमी ही नहीं गुजरा है। देखिए मुझे अंदाजा इस बात से हुआ कि मैं पहली तारीख से यहां देख रहा हूं कि मौलाना आशिक रजा साहब अंग्रेजी में तकरीर करते हैं, और आप यकीन जानिए वो इस वक्त नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं। इतनी मजबूत तकरीर सब्जेक्ट पर फुल ग्रिप के साथ गुफ्तगू, तसलसल के साथ गुफ्तगू, और ऐसी गुफ्तगू जो इल्म दे रही हो, नॉलेज दे रही हो। देखिये ये बड़ी अजीब मंजिल होती है, एक जाकिर दूसरे जाकिर, एक खतीब दूसरे खतीब की तारीफ। मैं बहुत सही कह रहा हूँ, उसी बिरादरी और कबीर का हूं तो मुझसे ज्यादा थोड़ी जानते हैं इस बात को, लेकिन ये हक है, इस मिंबर पर कह रहा हूं, जिस खलूस और जिस मोहब्बत से अल्लाह को आया। देख मैं तो चेहरा पढ़ता हूं ना, और ये भी मिंबर की अता है हुजूर, चेहरा
पढ़ने का सलीका इस मेंबर से आता है कि कौन सुनने के लिए आया और कौन मजाक उड़ाने के लिए आया। बहुत सही कह रहा हूँ आपसे, बिल्कुल पता चल जा रहा है कि कौन सुन के खुश हो रहा है और कौन कुड़ रहा है। ये चेहरा पढ़ने का सलीका मेंबर अता करता है मौला का। मैंने बहुत बीबली देखा है, मैं मुस्लिम साहब आप यकीन जानिए, आपने भी और किया होगा कराया आप, कि जिस सिंसियरिटी से, जिस खुलूस से, जिस मोहब्बत से, जो सेल्फलेस सर्विस उन्होंने दी है, वाह, काश मोमिनीन अपने बच्चों को लेके आते हैं। मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, हो सकता है भाई अमेरिका की मसरूफियात अलग हैं, नहीं वक्त मिल सका होगा, कुछ बच्चे थे जो आते थे पाबंदी से आते थे, रेगुलर थे और माशाल्लाह इंटेलिजेंट बच्चे थे, इसलिए के दवे देवे कुछ नहीं, सवाल जो कर रहे थे उससे पता चल रहा था कि भाई नहीं, दीनी आईक्यू अच्छा खासा है इनके पास। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चे आपके दीदार रहें, मैं आपसे कुछ अर्ज कर रहा हूं, बिल्कुल इसलिए मैं तो चला जाऊं, मुझे क्या आया हूं तो चला जाऊंगा, लेकिन जो मैंने फील किया है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपके दीदार रहें, मजहब से जुड़े रहें, तो ऐसे मौके जब आए तो उन्हें जाया न कीजिएगा। जाया न कीजिएगा। और मैं ये भी जानता हूं कि जिन लोगों से मैं गुफ्तगू कर रहा हूं ज्यादातर उनने उन लोगों के बच्चे यहां मौजूद थे, लेकिन मेरे कहने का मकसद यह है कि इसे दूसरों से भी जिक्र कीजिएगा, दूसरों से भी जिक्र कीजिएगा मेरे अजीजों। सैटरडे संडे दो दिन का वक्त मिलता है, आप अली के चाहने वाले हैं क्या, अली के फैलाए हुए दीन के लिए आधा घंटा भी नहीं दे सकते हैं? सुभान अल्लाह, अंग्रेजी में तकरीर करते हैं, मैं उर्दू में तकरीर करता हूँ, ठीक है उर्दू समझ में नहीं आती, मैं इस चीज को समझता हूँ, लेकिन वो तो अंग्रेजी में तकरीर करते हैं, क्या आधा घंटा, अगर आधा घंटा भी हफ्ते में आपने दे दिया तो इंशाल्लाह वो बुनियाद इतनी मुस्तहकम और मजबूत होगी कि जो दीवार इस पर खड़ी होगी वो हिलाए नहीं हिल सकती है। ये पैगाम था जो मैं देना चाहता था, मैं तो आपकी खिदमत कर ही रहा हूँ, कल भी करूंगा, लेकिन मौला ही के सत्ते में मैं इंडिविजुअल हर एक से तो पकड़ के नहीं कह सकता, भाई मुख्तार साहब आप सुन लीजिए, और भाई फिरोज साहब आप सुन लीजिए, और भाई सरवर साहब आप सुन लीजिए, ये जो मौका फराहम होता है ये भी मौला की अता है कि हमें दो बड़े अहम मौके मिलते हैं, एक फर्श अज़ा का मौका जिक्र हुसैन के जरिए से, और दूसरा जुमे का मौका है जो जिक्र इलाही का जरिया है। जिक्र इलाही और जिक्र हुसैन को मिला दीजिए, कश्ती खुद ब खुद साहिल पर पहुंच जाएगी। एक बार मिलकर महान मलबा मैंने आज बात खत्म की, मेरे अजीजों आज 11 मुहर्रम की तारीख गुजर गई, 11 मुहर्रम की तारीख, आपने 10 दिन शब रोज मातम किया है फर्जंद ज़हरा का, ऐसे मज़लूम अल्लाह गवाह कि जिनकी मज़लूमियत पर जाने निसार हो जाए, कायनात में ऐसे मज़लूम नहीं देखे, ना ऐसे मज़लूमों के बारे में कभी सुना कि जिन्होंने अल्लाह की राह में इस तरह कुर्बानी दी थी। मेरे अज़ीज़ों,
दस मुहर्रम का दिन है, लागवा है, दिल तड़प जाता है। जरा सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जब 11 मुहर्रम की सुबह हुई होगी, 10 मुहर्रम का दिन गुजर गया, सूरज आफ्ताब गुरूब हो गया, शाम रमजान आ गई, रोते रोते बच्चे, बिलखते बिलखते बच्चे माओ की गोदों में, अल्लाह अल्लाह सिसक सिसक के सो गए। और मेरे अजीजों, शहादत इमाम हुसैन के बाद मुझे नहीं मिला कि किसी बच्चे ने कहा हो हमें प्यास लगी है, किसी बच्चे ने कहा हो हमें भूख लगी है, जैसे अपने आंसुओं से अपनी प्यास को बुझा रहे थे। मेरे अजीजों, जब ये शब गुजर गई और 11 मुहर्रम का सूरज जमीने करबला पर तुलू हुआ, तो एक लम्हे के लिए आपको रोक के पूछना चाहता हूं कि जब इन बच्चों ने अपनी माँ की गोदों में अपनी आंखें खोली होंगी तो क्या देखा होगा? बस ये सोच के बता दो कि उस मैदान करबला में जहां खैमे जल चुके राख हो गए, जहां सर पर कोई साया नहीं है, जहां माओ के सरों पर अब चादरें भी बाकी नहीं रह गई हैं, इन बच्चों ने जब जमीन करबला पर 11 मुहर्रम की सुबह को अपनी आंखें खोली होंगी तो क्या देखा होगा? कभी माँ का चेहरा देख रहे होंगे, कभी कतलगाह की तरफ देख रहे होंगे, कभी करबला की उस जमीन, उस मख्तल की तरफ देख रहे होंगे, और जब मख्तल की तरफ नजर डाली होगी तो निगाहें किसी की अपने बाबा को ढूंढ रही हो, किसी की निगाहें अपने भाई को ढूंढ रही होंगी, किसी की निगाहें अपने चचा को ढूंढ रही होंगी, और एक बार जब निगाहें जाके रुकती रही होंगी तो देख रहे होंगे कि लाशें तो पड़े हैं, कैसे पहचाने, इनके जिस्म पर तो सर भी बाकी नहीं रह गए हैं, सर भी बाकी नहीं रह गए हैं। ए अजीज आने गिरामी, दिन गुजरा, अजीब आलम था कि बीवियों ने इस तरह बालों से अपने मुंह को छुपाए थे ताकि बेपर्दगी न होने पाए। थोड़ा वक्त गुजरा कि एक बार पिसरे साथ का ये हुक्म आ गया कि शेर इन्हें असीर कर ले, इनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी जाएं, इन्हें रस्सियों से जकड़ दिया जाए। ए अरबाब अज़ा, रवायत में मकातिल में ये जुमला मिलता है कि बस हुक्म का होना था कि फौजियों ने आके चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से बीवियों को घेर लिया, बच्चों को घेर लिया, किसी को रस्सी से जकड़ा जा रहा था, किसी के हाथ में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाली जा रही थी। ए अरबाब अज़ा, ये आलम था, किसी ने न पूछा, किसी ने ये न कहा कि अरे बेड़ियां डालना, जरा पानी तो पिला दे, इसलिए कि आज चौथा दिन है, प्यासे हैं, रस्सियों से इन बच्चों को बांधना, लेकिन जरा इन्हें पानी तो पिला दे, इसलिए कि ये आलतश आलतश की आवाजें बुलंद करके तड़प तड़प रहे थे। अरबाब अज़ा, ज़मीने करबला पर 11 मुहर्रम को कोई इन प्यासों को पानी पिलाने वाला न था। कोई तो ये कहता कि अरे इन बच्चों को अभी अजियत दी है, किसी के मुंह पर तमाचे लगे हैं, किसी का गोशवारा छीना गया है, किसी की पुश जख्मी की गई है, अरे अब इन नन्हे नन्हे बच्चों को रस्सियों से क्यों बांध रहा है, क्यों जगा रहा है, क्यों अजियत दे रहा है? ए अरबाब अज़ा, ये कैसे दरिंदे थे कि इनमें कोई न था कि जो इन छोटे छोटे बच्चों पर रहम खाता। ए अजीजों, जब चारों तरफ से घेर लिया गया, इन्हें बांध दिया गया, रवायत में मिलता है, मेरा दिल तड़प जाता है कि जब मैं इसे पढ़ता हूं कि बीवियों के हाथों को पसे पुष्ट बांध दिया गया था।
ओए बसे पुश बांध दिया गया था। कहा गया कि सैयद सज्जाद कूफे इब्ने ज़ियाद के दरबार में चलना है। सैयद सज्जाद ने कहा जरा रुक जा शिव, मैं जरा फूफी से बात करके आता हूं। फूफी के पास आए, फूफी अम्मा शिम कह रहा है कि इब्ने ज़ियाद के दरबार में चलना है। इसी तरह से एक बार आंखों में आंसू बहा के हुसैन की बहन ज़ैनब ने ये कहा, भैया इस बेटा इस राह में जितनी मुसीबत होगी बर्दाश्त करूंगी, इसलिए कि मेरा भाई वसीयत करके गया है कि ज़ैनब इस राह में जितनी मुसीबत हो उसे बर्दाश्त करती जाना मेरी बहन। ए बेटा कहते कि ज़ैनब तैयार है चलने के लिए। ए अरबाब अज़ाब सैयद सज्जाद ने शिम से कहा, मेरी फूफी तैयार है। सवारियां बुलाई गई। कैसे आई सवारियां? ये ऊंट बुलाए लाए गए। ये ऊंट वो थे कि जिनकी पुष्ट पर कजावे नहीं थे, जिन पर महमिल न थे, जिन पर अमारियां न थी, नंगी पीठ ऊंट की। ए अजीजो उस पर एक एक को सवार कर दिया गया। ए अरबाब अज़ा किस तरह से सवार किए गए मैं ये न बताऊं न कर्ज कर सकूंगा, लेकिन इतना सुन लो कि जब ज़ैनब सवार हो रही थी तो एक बार कतलगाह की तरफ मुड़ के आवाज दी, भैया अब्बास बड़े एहतराम से मदीने से लाए थे। ए मेरे भाई आओ देखो तुम्हारी बहन किस तरह से रुखसत हो रही है। ए भैया सर पर चादर है न ऊंटों पर अबारियां है। ए अरबाब अज़ा अरे इसी आलम में सवार करके मख्तल की तरफ से काफिला ले जाया गया। अरे ज़ैनब ने जब देखा कि मख्तल की तरफ जा रहा है एक बार भाई के करीब पहुंची अपने को ऊंटों से गिरा दिया। ए मेरे भाई अरे ज़ैनब तनहा छोड़ के जा रही है। کریم اس قلیل عبادت کو شرف قبولیت عطا کریم، جو حق تھا وہ حق ہم ادا نہ کر سکے ہیں، لیکن کریم تیری کنیز خاص تیری نبی کی بیٹی کے ہم چاہنے والے ہیں۔ کریم ہم اس کی بارگاہ میں اس کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئے تھے، اگر زندگی رہی انشاءاللہ تو پھر ہم فرش ادا مظلوم حسین کی بچھا کے ماتم انشاءاللہ۔ اے کریم اس فرش ادا کے صدقے میں ہمارے بچوں، ہماری بیٹیوں، ہماری گھر کے خواتین اور ہمارے تمام افراد کو نیک توفیقات عطا کر۔ کریم دامن اہل بیت سے متمسک رہیں، جب تک رہیں متمسک رہیں، جب دنیا سے اٹھیں تو متمسک رہیں انہی کے دامن سے، تاکہ ان کے جوار میں جگہ مل سکے۔ پانے والے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما دے، ایمان و انصار میں شامل ہونے کا شرف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، مع حسين.